ध्रुव जैन नाम है उनका, और उन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर लिए हुए हैं 180 के भाव के हिसाब से। होल्ड रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए खासतौर पे बजाज हाउसिंग पे? तेजस माफ कीजिएगा, मैं आता हूँ सौरभ आपके पास, बताइए 180 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। देखिए, स्टॉक लिस्टिंग के बाद डबल हो गया, नो डाउट एक कंपनी में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जिस ग्रुप से आती है तो कंपनी ने ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाई है। जो कंपनी की पॉलिसी है वो ग्रोथ जिस हिसाब से वो चलती है, तो उनका जो बिजनेस है, जो पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, और इंडस्ट्री की जो एवरेज ग्रोथ होती है उससे हालांकि ज्यादा ही ग्रोथ देखने को मिलती है फाइनेंशियल्स में, जो नंबर्स पहले आए हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लिस्टिंग के बाद स्टॉक डबल हो गया, थोड़ा महंगा हो गया है। कंपनी अच्छी है इसलिए मैं कहूंगा आप 2 से 3 साल का व्यू बनाए और बने रहें। बिल्कुल, तो ये राय रहेगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी और काफी अच्छे रिटर्न्स भी शेयर होल्डर्स को मिले हैं।